नमस्कार पोषण ट्रेकर ऐप की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग पोषण ट्रेकर ऐप की एक नई अपडेट के बारे में जानने वाले हैं जैसा कि आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं पोषण ट्रेकर ऐप में अपना प्रोफाइल अपडेट में जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया गया है जहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रॉब्लम आ रही है कि जिनका भी बैंक अकाउंट्स नंबर बारह अंकों से ज़्यादा है वो आंगनबाड़ी सेविकाएँ अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं डाल पाती है तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपडेट आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है 12.2 पॉइंट टू का एक नया अपडेट आ चुका है अब आप लोग किसी भी बैंक का अकाउंट हो तो आप लोग पोषण ट्रेकर ऐप में डाल के सबमिट कर सकते हैं जैसे कि अठारह अंकों तक का यहाँ पे फैसिलिटी दे दी गई है कि अठारह अंकों तक का अकाउंट नंबर आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं और जैसे कि पोषण ट्रेकर ऐप में आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे बदलाव किए जा रहे हैं लोगों को पोषण ट्रेकर ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए देख सकते हैं कि जल्द ही अपडेट आ रही है तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है ऐसे ही अपडेट आते रहे तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रेकर ऐप को यूज़ करने में परेशानी नहीं होगी तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इसको अपडेट करना है और इसमें कैसे अठारह अंकों तक अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा आज की ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद ना आए तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो स्टोर में आके दिखा देता हूँ कि कौन सा अपडेट आया हुआ है जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मांगेगा तो आपको सिंपली अपडेट कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्जन है वो ट्वेल्व पॉइंट टू का आया हुआ है तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाएँ इस ट्वेल्व पॉइंट टू का जो नया अपडेट है उसको यहाँ से अपडेट कर लेना है और जितने भी अपडेट आ रहे हैं सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को उन अपडेट को कर लेना है ताकि जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके तो चलिए यहाँ पे हमारा फाइनली पोषण ट्रेकर ऐप अपडेट हो चुका है अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट का आइकॉन आप लोग देख रहे हैं जिस पे अधिक लिखा हुआ है इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है आप जैसे ही इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे सेविका अपना प्रोफाइल अपडेट करती है और यहाँ पे सहायिका अपना प्रोफाइल अपडेट करती है तो इनके प्रोफाइल अपडेट में भी भविष्य में बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन जोड़ा जाएगा लेकिन फिलहाल हम आज बात करेंगे जो सेविका का प्रोफाइल अपडेट है इसमें हम लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे भरेंगे तो आपको प्रोफाइल अपडेट वाले पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सेविका है वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगी जैसे कि अभी तक आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है और कैसे करना है तो इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है मैं आपको यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकती हैं यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स का यहाँ पर ऑप्शन जोड़ा गया है इस पर बैंक अकाउंट डिटेल्स वाले पे आपको क्लिक कर देना है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है नेम एज़ पर बैंक अकाउंट यानी कि आपके खाते में जिस प्रकार से नाम दिया गया है उस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड का ऑप्शन दिया गया है यानी कि आपका जो अकाउंट है उसमें आईएफएससी कोड जो दिया रहता है उसको यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है जैसे कि एसबीआई यानी कि आपका से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आपको एस बी आई एन जीरो और उसके बाद जो नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे सभी जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में ही डालना है उसको डालने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक का नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे वो बैंक का नेम यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है बैंक अकाउंट नंबर उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर तो दोनों में सेम ही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज कर लेना है यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आप कितने अंकों तक यहाँ पे एक बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई अंक डाल रहे हैं जैसे कि दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह यानी कि आप लोग अठारह अंकों तक जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है और जो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे वही कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका यहाँ पे आप लोग अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और रही बात कि आंगनबाड़ी सेविकाएँ जो है उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस बैंक अकाउंट डिटेल्स में हम कौन सा बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको मानदेय वाला अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है मानदेय वाला आप लोग बैंक अकाउंट नंबर इसलिए दीजिएगा कि आप लोग पोषण ट्रेकर ऐप में जो भी वर्क करेंगे उसका जो भी इंसेंटिव बनेगा वो आपके मानदेय वाले खाते पर ही दिया जाएगा तो आप लोग मानदेय वाला अपना जो अकाउंट है वही आपको यहाँ पर डाल देना है तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि पोषण ट्रेकर ऐप में जो नया वाला अपडेट आया है ट्वेल्व पॉइंट टू का जिसमें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी और आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब पोषण ट्रेकर ऐप में भी आ, उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है जैसे कि पहले के मुकाबले अब जो पोषण ट्रेकर ऐप है वो काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है हालांकि अभी पूरी तरीके से जो पोषण ट्रेकर ऐप है वो ठीक नहीं हो पाया है अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को देखने को मिल रही होगी तो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप लोगों को पोषण ट्रेकर ऐप में क्या क्या परेशानी आ रही है जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे सकें तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद